देखो दोस्तों, मम्मी पतले होने की ट्राई कर रही है। मम्मी और मम्मी चला दे कैसे रही है? आधा तो चला रही, बस आधा आधा किस पे मेहनत नहीं हो जाए कहीं। भगवान नानी देख रहे हो मम्मी को? मम्मी हो गए पतले? मम्मी हो गए पतले? नहीं वो अभी तो नहीं हो। है कितने देर तक चलाओगे? बस दो मिनट। मम्मी के दो मिनट और चलाऊंगी बस। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और अभी हो रहे हैं 9:30 या 10 बज रहे हैं लगभग। अभी भी मैंने ब्लॉग की एंडिंग की और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं सिलने वाली हूँ कुर्ता जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी। एक साड़ी निकली है, एक्चुअली साड़ी नहीं, साड़ी कपड़ा है, तो थोड़ी थोड़ी खराब भी हो रही है। बट मेरे को वो साड़ी इतनी सुंदर लगती है, जब भी मैं उसको देखती हूँ ना तो मुझे लगता है यार इसका तो कुछ करना ही चाहिए। तो आज मैं इसका कुर्ता बनाऊंगी। अब देखती हूँ वो इतना किस लेवल पे ख़राब हो रही है। अगर ज़्यादा ख़राब हो रही होगी तो कुर्ता सिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें कपड़ा नहीं बचेगा। बट अगर थोड़ा बहुत भी निकल गया तो मैं बना दूँगी इसका कुर्ता। वो नहाने गई हुई है, काजी यहाँ मस्ती कर रहा है, मम्मी नीचे है, और तो मिलते थोड़ी देर में कुर्ता बना के। ये वो साड़ी जो बहुत ख़राब हो रही है, बट इसकी जो ये जो देख रहे हो ये जो प्रिंट है, मतलब ये लेस जो भी है, मुझे इतनी सुंदर लगती है, मन करता है कि हाँ इसकी तो कुछ करना ही है। तो बनाते हैं इसका। और ये ख़राब बहुत हो रही है वैसे तो ये साड़ी, बट अब कोई बात नहीं, बिल्कुल काट काट के इसको हटा देंगे, जितना सही कपड़ा है वो वाला यूज़ करेंगे। ये मेरी मशीन चूँकि दिखने में जितनी गंदी लग रही है ना, मतलब जितनी लग रहा है चलती भी नहीं हो, चलती है कि नहीं चलती, पर ये जो भाई इसमें जो सिलाई आती है, जो सिलाई करती है, मतलब मैंने इतने सुर रखे इसमें, वो भी एक से बढ़कर एक। मैंने अभी वहाँ पर थोड़ी अच्छी वाली मशीन ला रखी है, वो ऑटोमेटिक है, बट उसमें मुझे सूट सिलने में जो जान निकलती है, बट इसमें ये इतनी सही चलती है ना भाई, इतनी गजब है जिसकी हद नहीं है। तो अब बनाते हैं। काजू इतनी मस्ती कर रहा है कि मुझे भी सिलाई छोड़ के नीचे जाना पड़ रहा है। चलो चलो काजू, किसी कर दे, किसी कर, किसी प्लीज मुकुट दो। चलो तो फिलहाल नीचे चलते हैं, उसके बाद में आपसे मिलता है। कैसे सोच रहे हो मम्मी, क्या कर रही हो? हैं आज तो बड़े पढ़ाकू वाले जोर में चल रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? कहानी पढ़ रही हूँ देखने के चक्कर में। फिर आज मेरा काट रहा है थ्रू आउट। आ काजू नो सुना आज, अरे हद, अरे हद, अरे हद, अरे अरे हद, अरे काट लिया रे, काट लिया छोरा बदमाश। कुर्ता तो मेरे सिल गया है एकदम लूज लूज, मतलब मुझे क्या लूज फिट चीजें अच्छी लगती है, तो मैंने एकदम लूज वाला सिला है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, सिंपल सा। अब समझ नहीं आ रहा इसके नीचे क्या सिलूं। तो इसके नीचे मुझे लगता है कि जो मेजेंटा कलर है ना, इस कलर का कुछ बहुत ही मेजेंटा कलर का कुछ सिल देती हूँ। और पता है मेरी सिलाई के अंदर क्या दिक्कत है, मैं कुछ सिलते सिलते पता होता है कि अब मुझे ये सिलना है, मतलब मुझे जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना कुछ भी सिलना, तब मुझे पता नहीं तो मैं सिलने वाली क्या हूँ। ऑटोमेटिक मैं काटती रहती हूँ, मैं सोचता ये वाला ऐसे काट दो, वो वाला ऐसे काट दो, तो क्या बनता है देखते हैं। तो फाइनली ये बना है। तो अब जाती हूँ नहाने और खाना वाना खाती हूँ। और खुशबू, काजू और मम्मी तीनों नीचे, तो उनसे ही मिलती हूँ। काफ़ी टाइम से नहीं मिली ना, काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी देर से, काफ़ी देर से नहीं मिली, तो भी जाती हूँ। बात तो एक ही है, मैंने जो दोनों बोला देर टाइम एक ही। तो देखो दोस्तों, मम्मी पतले होने की ट्राई कर रही है। मम्मी और मम्मी चला दे कैसे रही है? आधा तो चला रही, बस आधा आधा किस पे मेहनत नहीं हो जाए कहीं। हे भगवान नानी देख रहे हो मम्मी को? मम्मी हो गए पतले? मम्मी हो गए पतले? नहीं वो अभी तो नहीं है। कितने देर चलाओगे? बस दो मिनट। मम्मी के 2 मिनट चलाऊंगी बस। दोस्तों हमारी जो ये है ना, ये है तो साइकिल पतला होने के लिए, पर इसमें बस कपड़े सुखाया जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। पहली बार मम्मी बैठ रही है इस पे। नानी को मजा आ रहा है बेटा, नानी को मजा आ रहा है। खुशबू खुशबू मासी काजू के लिए क्या लाई है? 1400 काजू। मासी और मम्मा भैया मैं
पागल नहीं हूँ, बिना पेस्ट के मैं नहीं करने वाला। सॉरी आए बड़े कैसे करते कैसे करते। तो अभी हो रहे हैं 7-8 बज रहे हैं और अभी भी मैंने ना टंकी वाला ब्लॉग डाला है, जिसमें मैं टंकी के अंदर कूद जाती हूँ। तो मेरी फ्रेंड जब मैं उज्जैन गई थी तो मेरी फ्रेंड क्या गई थी गुंजर के यहाँ पे, तो उसका फोन आया अभी कि भाई तेरा ब्लॉग आया और मैं वो ब्लॉग देख रही हूँ। तो है ना उसमें मेरा बेटा बार बार कह रहा है कि मासी को जल्दी से बाहर निकालो, काजू तुम मेरे को बाहर निकालो टंकी में से, वो डर रहा था। फिर उसने मेरे को उससे बात कराई, अब मैंने उसको बोला कि भैया मैं टंकी से बाहर निकल गई, मैं ठीक हूँ। मतलब वो बेचारा इतना क्यूट है, इतना प्यारा लगा मुझे सुन के, क्या यार कैसा ये। तो अभी जाते हैं खाना बनाने, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं निकाल रही हूँ घी। खुशबू है ना इस वेट मशीन के चिसेल निकाल रही है ना, मतलब नहीं डाल रही है बेसिकली। तो अब ये इसका वेट ही बताएगी, ठीक है खुशबू? इसके जब हो जाए ना सब सही 60, तब एक बार चढ़ के बताना कितने किलो की है तू, ठीक है खुशबू? कितने किलो की है तू? 62। वायर कितनी हल्की थी, तो बहुत गजब की। करो ज्यादा तो नहीं है। अरे यार काजू तू तो बहुत पतला है भाई, यार तू बहुत पतला है, तू खाता क्यों नहीं है गंदे, तू खाता क्यों नहीं है बता दे। तो दोस्तों नेक्स्ट डे हो गया और अभी मैंने रेसिपी के लिए वीडियो बनाई है, वीडियो के लिए एक ऑरेंज जूस बनाया है। तो चलते हैं मम्मी को पिलाते हैं। तो उल्टा सीधा क्यों बोलती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मम्मी तो आई नहीं यहाँ पे, मम्मी कहाँ है? प्यारे बच्चों को पिलाएंगे, पियो। तो दोस्तों अभी हो रहे शाम के 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं रिलायंस में, क्योंकि मुझे काजू के लिए सफोला ऑट्स लेने हैं और हेयर कलर लेना है। और मम्मी मुझे सुबह से बोल रही है कि मुझे भी लेके चलना, मम्मी को कुछ भी नहीं लेना, बस मम्मी को ऐसे ही फालतू में घूमना है। तो मम्मी को भी जाना है और अभी पता नहीं मम्मी तैयार होगी नहीं होगी, अभी तो टाइम वेस्ट करेंगे आधा एक घंटा तक, उसके बाद चलेंगी। और काजू भी जा रहा है, खुशबू भी जा रही है, तो चलो चलते हैं। और मुझे कुछ और सामान भी लेना है, थोड़ा बहुत जो मैंने कल कुर्ता सिला था तो उसके लिए नीचे एक सेट में कपड़ा लाना है पेंट के लिए, तो भी लेके आऊँगी। और देखते कुछ और मिल जाए तो मार्केट कुछ मिल सकता है। तो चलो नीचे आके तो पता लगा मम्मी तो है ना तैयार ही नहीं है, अब और हमको भी कंफ्यूज कर रही है कि जाना है नहीं जा रहा, पता नहीं क्या करना चाह रही है, भगवान जाने। साड़ी पहन तो रही हूं पर कैसे पहनूं? अब अचानक याद आया कार के अंदर पानी ही नहीं है, तो पानी डालती हूँ पहले तो मैं। तो चलो पानी डालते हैं अब। यहाँ से यहीं पे कहीं पे था इसका, हाँ ये रहा, हाँ अब खुलेगा। बड़ी अजीब गाड़ी है, गजब की हालत हो रही है इसके अंदर के। तो चलो क्या इस पूरा ही पानी खत्म हो गया भैया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो चलते हैं बेटा। काजू काजू हाय कर तो, हेलो किसे कहते? ओए मेरा बेटू कितने भी। ये इतनी देर लगाते हैं काजू, हम दोनों कब से बैठे हैं काजू यहाँ पे, कब से बैठे हैं, बोर हो गए ना? अरे बोर हो गए ना, है ना, है ना, किसी कर दे, किसी कर दे, मम्मा की मम्मा किसी कर दे। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है किसी? अरे गाल पे मामा की चिक्स पे कर दो, चिक्स पे, चिक्स पे। देखो देखो किस पागल हुआ है। आहा, आहा। आजा आजा, काजू बुला रहा है, काजू बुला रहा है, नानी काजू बुला रहा है आपको। पीछे जाओ पीछे, बोलूंगी यहाँ बैठूंगी। देखो कितना नाराज हो रहा है कि आगे क्यों बैठ रही हो, बैठने की शौकीन हो। आजा मैं बैठ जाऊं। भाग यहां से, आई बड़ी।
मतलब जब भी लड़की तैयार हो जाती है ना तो इधर उधर से ना घुस घुस के आती है बिल्कुल। हवा चेक करवानी है कार की। हवा चेक करवा लेंगे भैया, तो इधर इधर चलते हैं। कसम तो खा लो क्योंकि ज्यादा सामान नहीं खरीदो तुम्हें। देखो यहाँ पे कसमे वादे हो रखे हैं कि है ना मम्मी ज्यादा सामान नहीं खरीदे। मम्मी मम्मी कितने पानी लगा रहे हैं, इधर बकवास करा लो बस। मम्मी बोला आप सामान नहीं खरीदोगे, यहाँ चलने से पहले मेरी मम्मी है ना सारे बहाने लगा ली पर बोलेंगी नहीं वाली बात। बहुत खराब बहुत खराब, मतलब अभी से डर लग गया कि ना पता नहीं क्या खरीदने वाली है कचरा। पर क्या कर रहे हैं, चलो बाय। Thank you.